हमारी यहाँ जूस की सब्जी बनती है, मटर पनीर की जूस की सब्जी जो वर्ल्ड फेमस है, बॉम्बे सूरत कलकत्ता तो जाती है, अमेरिका तक भी जाती है हमारी सब्जी। ये अपने आप में एक यूनिक चीज है जो सिर्फ भिवानी में हमने लॉन्च की थी। आज आपको बर्फी वाली लस्सी पिलाएंगे क्योंकि ये नकली मक्खन चले हुए हैं आजकल। 80 रुपए किलो तो दूध मिल रहा है, 70 रुपए किलो मक्खन बिक रहा है बाजार में। बस आप सच्चाई एक सफाई पत्ते पे देते हो, पत्ते में। हाँ, ये बस ये देख लो ऐसे ही। तो जी, भिवानी के जायकों का सफर शुरू हो चुका है और हम आपको लेकर जाने वाले हैं सबसे पहली डेस्टिनेशन पे, जो कि है प्यारेलाल हलवाई जी, जहाँ की जूस की सब्जी बहुत ज्यादा फेमस है। तो चलिए मिलते हैं उनसे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं यहाँ की सबसे पुरानी और सबसे फेमस दुकान प्यारेलाल हलवाई जी के पास। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा विजय कुमार है। हमारे यहाँ सब कुछ खास है, हमारी मिठाइयाँ, मालपुआ, गाजर पाक, दिल घुसाल, बालू सही, जो सर 1970 से मनाते आ रहे हैं, तो शहरवासियों को उनका स्वाद मुँह पे लगा हुआ है। ओके। और अच्छी क्वालिटी देते हैं, उसके घी वगैरह जो भी चीज़ पड़ती है वो नेचुरल बढ़िया लेके क्वालिटी के लेके चलते हैं, इसलिए स्वाद लोगों को आता है। बेसिकली आप मिठाइयाँ बना रहे हो ना? जी। लेकिन एक जो आपकी स्पेशल चीज़ है वो बताइए आप। हमारी यहाँ जूस की सब्जी बनती है, मटर पनीर की जूस की सब्जी। ओके। जो वर्ल्ड फेमस है, बॉम्बे सूरत कलकत्ता तो जाती है, अमेरिका तक भी जाती है हमारी सब्जी। अच्छा जी। जो लोग इसके फैन वहाँ रहते हैं वहाँ तक भी लेके गए हैं। अगर जूस की सब्जी मतलब थोड़ा क्या मतलब होगी जूस की सब्जी ना? ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ है जो सिर्फ भिवानी में हमने लॉन्च की थी। और इसके अंदर क्या सीजनल वाइज, जैसे कि मान लो संतरा आया हुआ है मौसमी, तो मौसमी का जूस पड़ता है, संतरे के दिनों में संतरे का जूस पड़ता है। अच्छा। और इसके अंदर अनार का जूस भी पड़ता है, जब वो दीपावली पे कधारी अनार आता है। अच्छा जी। तो वो भी डालते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए आता है, इसलिए मतलब बराबर नहीं पाता। तो ये शुरुआत आपके पिताजी ने की थी? जी जी, हमारे पिताजी प्यारेलाल जी, इन्होंने शुरुआत की थी जो घर में मना करते खाने के लिए। फिर हमने 1990 के आसपास इसको दुकान पे लॉन्च किया। तो ये जूस की सब्जी बना के खाना कुछ ऐसे ऑकवर्ड तो नहीं होता, मतलब अजीब सा नहीं बनता कुछ ऐसा? नहीं नहीं, टेस्टी होती है, टेस्टी होती है, कटी मीठी होती है। हाँ। इसके अंदर जूस हो गया, पनीर हो गया, मटर है, मतलब कई बार जूस से दिमाग जाता है ना कि यार जूस तो पीते हैं, मतलब जूस की सब्जी कैसे होगी। आप इसको खा के देखिए, अपना मैजिक है। और रही बात इसको बनाने की, तो इसमें काफी समय लगता है। ओके। इसको 8 आदमी की टीम लगती है हमारे बनाने में। ओके। और 4 आदमी ऊपर इसका काम करते हैं, जैसे कि आलू फ्राई, पनीर को पाड़ना, पनीर भी हम अपने खुद का बनाते हैं। अच्छा। बाहर से कोई पनीर नहीं लेते, दूध लेते हैं, दूध से ही सारी मिठाइयाँ और पनीर वगैरह बनाते हैं। तो काफी कुछ इसके अंदर होने वाला है, आलू प्याज पनीर। जी 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 जी। पहले इसका मसाला, खड़े मसाले लिए जाते हैं, इसके अंदर मिर्च, 2 तरह की मिर्च होती है, उसके बाद में मसाला होता है प्याज और धनिया, हल्दी, जीरा, इसको कम से कम 1.5 से 2 घंटे मसाले को भुना जाता है। ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर दही पड़ता है, फिर टमाटर, फिर जो सीजनल फ्रूट हो जैसे कि संतरा या मौसमी वो डलता है। और अगर अनार आता है दिनों में तो अनार भी डलता है। फिर बाद में फ्राई करके अलग से आलू, देसी घी में फ्राई करके आलू डलता है। और पनीर हमारा ऐसे डालते हैं, संडे को हम पनीर भी फ्राई करते हैं। ओके। वो रेट हमारा सेम रहता है, लेकिन वो संडे में एक दिन हमारा पनीर फ्राई होता है। तो इसका प्राइस क्या रहता है वैसे? 110 रुपये फिलहाल। 110 रुपए पर प्लेट। पर प्लेट जी। ठीक है। वैसे किलो के हिसाब से बिकती है ये? नहीं सर, अगर आप कोई किलो के हिसाब से लेने आता है तो हम कहते हैं उसको सोल्यूशन देते कि 4 प्लेट ले लो। ओके। तो 4 प्लेट में 1 किलो से कुछ ना कुछ 1100 ग्राम 12 यानी कि ऊपर ही बैठेगी। ठीक है। भिवानी में क्या इसका टंका पूरे मतलब ये मान लो कि जिनने ये खाई है ना, चाहे वो कहीं का भी हो, वही जाके तारीफ करता है इसकी। वाह जी वाह। नहीं ये बिल्कुल, हम भी आपकी तारीफ सुन के आए हैं। जी जी जी। चलो, और भाई वैसे ये एड्रेस क्या रहता है आपका? ये एड्रेस है जी आलू बाजार। आलू बाजार, आलू बाजार भिवानी। और क्या टाइमिंग्स रहती है आपकी यहाँ ओपनिंग होने की? सुबह 8 बजे खुल जाते हैं। सब्जी कितने में मिलती है? सब्जी दोपहर 12 बजे स्टार्ट हो जाती है। ओके। और रात 9:30 आखिरी 10 बजे तक मिल जाती है। ठीक है। तो सब्जी को सर्व आप किसके साथ करते हो, मतलब कि रोटी के साथ? जी, इसकी रोटी भी स्पेशल होती है। ओके। मेसी रोटी बनती है हमारे यहाँ, जो दूध से आटा लगाया जाता है। ठीक है। उसके अंदर बेसन, आटा और मोन लगता है घी का। ओके। उसके बाद वो बनती है, जो उसके उसका मतलब उसके बगैर भी सब्जी अधूरी है ये। ओके। आधा टेस्ट वो रोटी देती है। ओके। मतलब ये कॉम्बिनेशन ही खाना पड़ेगा। चलो चलो, थैंक यू सो मच जी। वेल, ये आ चुकी है जी बढ़िया सी हमारी थाली, आलू प्याज और पनीर की जूस वाली सब्जी। चेक कीजिए भाई, ये है फ्राइड आलू एंड इसके साथ पनीर वगैरह, काफ़ी अच्छी सी प्रेजेंटेशन है। और घी ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, बेसिकली घी जा रहा इसलिए होता ताकि सब्जी की जो लाइफ है वो थोड़ी बढ़ सके। ये चेक कीजिए ग्रेवी,
मटर वगैरह काफ़ी कुछ है इसके अंदर, ड्राई फ्रूट्स भी हैं। एंड ये है जी इनकी स्पेशल रोटी जो मिस्सी रोटी होती है बेसन की। काफ़ी नया एक्सपीरियंस है, जूस की वजह से ना खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा है लेकिन बड़ा ही बैलेंस्ड टेस्ट है यार। मतलब इतनी ज़्यादा फेमस है ना भिवानी के अंदर, आप अगर आगे किसी से भी पूछोगे ना कि जूस की सब्ज़ी तो आपको बता देंगे कि कहाँ पे मिलती है और सबसे पुरानी और सबसे बेहतरीन सब्ज़ी। मतलब प्यारे लाल जी का नाम हमने भी बहुत सुना था लेकिन आज जूस की सब्ज़ी टेस्ट करके मज़ा आ गया भाई। काफ़ी फ्लेवरफुल है ग्रेवी जो है, बैलेंस्ड मसाले हैं, ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा फीके हैं ना तीखे हैं, एकदम लाजवाब वाले। चलिए एक बाइट रोटी के साथ टेस्ट करते हैं और फिर उसका लुत्फ़ उठाते हैं असली। ये चेक कीजिए, राजस्थान में मिलता है ना साग रोटड़ा, वैसी काइंड ऑफ ये वैसी ही सब्ज़ी है। चलिए अगर आप भिवानी में आओ ना तो ये जायका टेस्ट करना बनता है आपका, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। मैंने आपको एड्रेस एंड टाइमिंग सब कुछ पता करवा दिया है, अंकल ने अपनी ज़ुबानी बताया कि यहाँ पे आके आप ये बढ़िया सी आलू प्याज पनीर की जूस वाली सब्ज़ी टेस्ट कर सकते हो। मेरे को नहीं लगता पूरे इंडिया में ये जूस वाली सब्ज़ी कहीं और भी मिलती होगी, काइंड ऑफ सिमिलर सी चीज़ हो सकती है लेकिन ऐसी एग्जैक्टली सेम टेस्ट वाली तो नहीं मिलनी, उसके लिए आपको भिवानी आना पड़ेगा। बाकी अगर आपके शहर में ऐसी सब्ज़ी मिलती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मिलती है, तो फिर हम वहाँ पे भी आके टेस्ट कर लेंगे। बाकी भिवानी की तो भाई लाजवाब है और ये वर्ल्ड फेमस है। तो चलते हैं अब अगले जायके की तरफ आपको लेकर। अगली जो जगह हम आपको लेकर आए ना भिवानी के अंदर वो है चौधरी नमकीन भंडार, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। एक ऐसा जायका मिलता है यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा लाजवाब है, कम मसालों वाला है। तो चलिए चलते हैं अंदर, मिलते हैं अंकल जी से और टेस्ट करते हैं यहाँ का लाजवाब जायका और आपको स्वाद देंगे यहाँ का स्वाद कैसा है। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है अंकल आपका? कृष्ण कुमार। और अंकल कितने साल से आप अपना ये बढ़िया सा जायका खिला रहे हो यहाँ पे? 1953 से चल 1953 से इसी जगह पे? इसी जगह। अच्छा, मैंने सुना था कि आपने शुरुआत जो की थी वो पेड़ के पास से की थी। अच्छा, इसी पेड़ से शुरुआत हुई है? यहाँ नीचे लगाते रहे आप? हाँ बिल्कुल, नीचे बैठ। नीचे। और क्या ऐसा खास बना रहे हो कि इतने दीवाने हैं लोग? बस आप सच्चाई एक सफाई। ओके, बेसिकली छोले और कचौरी बनाते हो आप, छोले की क्या खासियत है आपकी? बिल्कुल उबले हुए हैं, कोई ऐसे मसाले नहीं है, ठीक है, साफ सुथरा। ओके, बस यही। अच्छा, ये बॉयल्ड छोले बेसिकली? ठीक है, उसी को आप पत्ते पे देते हो? पत्ते में, हाँ। ये बस ये देख लो ऐसे ही। ओके, ये मसाले। अच्छा, ये सिंपल मसाले, चावल वगैरह डाल के? चावल, हाँ, चावल भी सिंपल। ठीक है, इसके बाद कोई तड़का छड़का मारोगे आप इसको? हाँ, एक ये। ओके, ये। अच्छा, ये रेडी? बिल्कुल। ठीक है, और साथ में आप कचौरी बनाते हो? कचौरी बिल्कुल प्योर आटे की। ओके, अच्छा ये प्योर आटे की? प्योर आटा। इसके अंदर कोई स्टफिंग भी भरते हो? हाँ, बस है मूंग की दाल। मूंग की दाल छिलके वाली? हाँ। ठीक है, आटे के अंदर? ये आटे के अंदर स्टफिंग करी और ये बिल्कुल रेडी। ठीक है, और इसमें आपने मसाले डाले? इसमें सिर्फ हमारे, हाँ बिल्कुल सिंपल मसाले। वाओ, ये देखने से ना एकदम ग्रीन ग्रीन से अंकुरित हुए है ना, बिल्कुल बड़ी खूबसूरत लग रही है और देखने में भी लग रहा है कि कोई ज्यादा तड़क भड़क मसाला नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल और सोबर। वाओ, और ये जगह कौन सी है, एड्रेस क्या पड़ता है? कृष्णा कॉलोनी। कृष्णा कॉलोनी, हाँ, सब्जी मंडी चौक। ठीक है, चौधरी नमकीन किसी से भी पूछ लो। है और कितने बजे शुरू करते हो अंकल आप? सुबह 7 बजे। 7 बजे, 7 से लेके कितने बजे? 4 बजे तक। 4 बजे तक। ओके, और क्या प्राइसिंग रहती है इसकी? 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ में दो पीस? दो पीस, बढ़िया। साफ सफाई तो मैं देख ही रहा हूँ अंकल, बिल्कुल एकदम हाइजीन तरीके से आप खिला रहे हो। चलो थैंक यू सो मच अंकल। ये आ चुके हैं इनका बढ़िया सा जायका चौधरी जी का और आप चेक कर सकते हो, ये है छोले। छोले के अंदर एकदम बढ़िया से चावल को सजा के और साथ में ये फ्राइड मिर्च और ये है जी इनकी कचौरी, पूड़ी कह लो कचौरी कह लो कुछ भी कह लो, इसके अंदर रहती है स्टफिंग। और ये देखो आप, दाल की स्टफिंग नज़र आ रही होगी आपको। वाह यार, देखने में एकदम सॉफ्ट है। चलिए टेस्ट करते हैं, सबसे पहले इंडिविजुअल छोलों को टेस्ट करते हैं और उसका स्वाद बताते हैं आपको स्वाद कैसा है। सिंपल मसाले, कोई प्याज नहीं, कोई लहसुन नहीं, कोई अदरक नहीं, कुछ टमाटर नहीं, बिल्कुल एकदम सिंपलिसिटी वाला ये जायका होने वाला है। बहुत ही लाजवाब छोले हैं यार, एकदम बॉयल्ड है, जो सिंपल ऊपर मसाले डाले हुए हैं उससे थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आ रहा है। अगर आपको ऐसे सिंपलिसिटी वाला जायका पसंद है ना, ये जगह आपके लिए होने वाली है। एंड चलिए एक बाइट फटाफट इनकी कचौरी या पूड़ी उसके साथ टेस्ट कर लेते हैं।
पे बेसिकली ये जो कचौरी जिसको ये बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया आटे की कचौरी है, एकदम लाइट सेक पे बनती है, बहुत लाजवाब है। मैं कहूँगा अगर आप भिवानी में आ रहे हो ना तो ये मस्ट ट्राई जायका है। और इसको पत्ते पे रख के छोलों को सर्व किया जाता है, जो छोले को पत्ते पे रखते हैं ना उसके साथ जो टेस्ट होता है ना और ज़्यादा इनहेंस हो जाता है इसका। साथ में हमने इनकी मंगवाई है लस्सी, बढ़िया सा गिलास है इनका नमकीन लस्सी का। मीठी चाहिए मीठी मिल जाएगी, नमकीन चाहिए नमकीन, हमें नमकीन पसंद है तो हमने नमकीन मंगवाई है। बाकी हम उठाते हैं इस जायके का लुत्फ, अगर आपको उठाना है तो आपको आना पड़ेगा। एड्रेस और टाइमिंग आपको पता लग ही चुकी है, बाकी इसका एक बारी स्वाद ज़रूर मैं आपको बताऊँगा लस्सी का कि स्वाद कैसा है। इसके अंदर मसाले डाले हुए हैं, जीरा वगैरह, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है मसाले का। बाकी ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है ना यहाँ का वो बहुत लाजवाब रहा है, मस्त रही जायका है। अब बारी आती है आपको लेकर चलने की भिवानी के अगले जायके की तरफ, तो चलिए चलते हैं तलाशते हैं। अगली जो खास जगह पे हम आपको लेकर आए हैं ना भिवानी के अंदर, वहाँ पे मिलता है जी लाजवाब मक्का, जो कि इतना ज़्यादा फेमस है और पूरे हरियाणा में अगर मक्का फेमस हुआ है तो वो भिवानी से सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है। क्योंकि आप देख सकते हो मेरे साथ ही हैं मोहन जी और अपना काम कर रहे हैं, बाकी मिलवाता हूँ इनसे और चखते हैं इनका यहाँ का लाजवाब जायका, एकदम पौष्टिक जायका बनाते हैं, तो मिलते हैं इनसे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। और अंकल बताइए कितने साल हो गए आपको यहाँ पे मक्का खिलाते हुए? मेरे को यहाँ 30 साल हो गए जी मक्का। 30 साल? हाँ जी। ओके। मेरा ये यही खासियत है, मसाला जो है अपना खुद का बनाया पिसा हुआ है। अच्छा, बेसिकली मेन मसाला है आपका? मेन मसाला होता है और मक्का साफ सुथरी होती है। उबला ही बनाते हो? हाँ, उबला हुआ ही। सिर्फ उबला हुआ मिलेगा? सिर्फ उबला हुआ ही मिलेगा। और ये तो हम पहले भी कहते हैं और अब भी कह रहे हैं, मक्का कभी भी खाओ उबली हुई खाओ। ठीक है। क्योंकि ये नकली मक्खन चले हुए हैं आजकल, 80 रुपए किलो तो दूध मिल रहा है, 70 रुपए किलो मक्खन बिक रहा है बाजार में। तो वो मक्खन थोड़ी ना जहर है वो तो। बिल्कुल। तो इसलिए उबला हुआ ही खाए, शरीर में कोई नुकसान नहीं देगा। ठीक है। मक्का को फ्राई करने से उसका प्रोटीन ही खत्म हो जाता है, मतलब पोषण नहीं रहता उसमें। हाँ जी। ओके। और क्या प्राइसिंग रहती है आपकी, कितने रुपए प्लेट है? 40 रुपए और कम 30 रुपए। 30 रुपए और 40 रुपए। हाँ जी। और एड्रेस क्या रहता है ये? एड्रेस जी शिव मंदिर जोगी वाला। ओके। क्या टाइमिंग रहती है, कितने बजे शुरू करते हो? सुबह 11 से रात्रि 10 बजे तक। 10 बजे तक। हाँ। अच्छा, ये अंकल इतना बड़ा सा ड्रम रखा हुआ है आपने जी, इसके अंदर मक्का है, नीचे आग चलती रहती है। अच्छा, ये मिट्टी की भट्टी है? हाँ जी। ठीक है, तैयार करके आपने लकड़ी जला के रख देते हो? हाँ जी। ठीक है, तो फिर ये सूप भी बन जाता होगा? हाँ, सूप इसी का ही है जिसमें ये उबलता है। ओके। अच्छा, ये मक्का निकाल के आपने इसके अंदर ये सारा, मतलब ये क्या है, प्याज मटर, प्याज बंद गोभी, प्याज टमाटर हरा मटर और पनीर। ठीक है। और ये चटनी? हाँ जी, ये चटनी। ये किस चीज़ की बनाते हो? ये जी इमली की। इमली की। हाँ। ओके। मतलब सिंपल सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला काम नहीं है, शरीर में नुकसान देने वाली कोई चीज़ कोई भी चीज़ नहीं है ना। ये चाट मसाला है? ये गरम मसाला है। ये आप खुद तैयार करते हो? हाँ जी। ओके, चलो रेडी। वेल, ये आ चुका है जी बढ़िया सा मोहन जी का मक्का, जिसको पनीर डाल के बढ़िया तरीके से सर्व किया गया और एकदम में पौष्टिक और फाइबर से भरपूर डाइट होने वाली है। 40 रुपये इसका प्राइस है एंड बढ़िया अंकल प्लेट लोडेड करके देते हैं, एकदम सिंपलिसिटी से मैंने आपको दिखाया तैयार किया गया। चलिए टेस्ट करते हैं और आपको स्वाद बताते हैं इसका स्वाद कैसा है। सुपर सॉफ्ट मक्का है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब उम्दा स्वाद है। अगर आपको टेस्ट करना है, अंकल ने आपको एड्रेस बता दिया, टाइमिंग्स आपको पता लग चुकी हैं, आके ये बढ़िया सा जायका चख सकते हो। मैं आपको वही जायके दिखा रहा हूँ भिवानी के अंदर जो बेस्ट है, जो लाजवाब है और जो लोगों ने हमें सजेस्ट किया, हम वहीं पर आते हैं खाने जहाँ पर आप लोग हमें सजेशंस देते हो। बहुत ही लाजवाब है आपकी सजेशन, थम्स अप टू यू एज़ वेल। बाकी टेस्ट करते हैं इसको और इन्जॉय करते हैं इस जायके को एंड लेके चलते हैं इसके बाद आपको अगली तरफ, जहाँ आपको एक और बढ़िया सी चीज़ का हम लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे और आपको बताएंगे क्या चीज वहां मिल रही है। तो चलिए चलते हैं। हम अगली जगह पर पहुंचे हैं, वो है जी ग्रोवर नमकीन भंडार। यहाँ पे भी मिलती हैं कचौरियाँ और छोले,
वैसे भिवानी में ना कचौड़ियाँ और छोले का बहुत ही ज्यादा प्रचलन है, तो चलिए मिलते हैं इनसे और टेस्ट करते हैं यहाँ का लाजवाब जायका। जी क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र ग्रोवर। और बताइए जरा अभी कितने टाइम से आप ये यहाँ पे बढ़िया से अपना जायका है जो लोगों को चखा रहे हैं? ये 72 से सर। 1972 से? हाँ 72 से। तो शुरुआत किसने की थी सबसे पहले? पिताजी ने की थी हमारे। अपने मसाले बना ऐसे करते हैं, खड़े मसाले करते हैं, टमाटर प्याज लहसुन का यूज नहीं करते सर। नहीं करते? नहीं नहीं। ओके हाँ जी ठीक है। बेसिक तड़का होता है जो मसाला हमारा तेज होता है, हमारे खड़े मसाले होते हैं, छोले कचौरी होती है, छोले चावल होते हैं। क्या हाल है भैया? ठीक है बढ़िया जी। क्या नाम है आपका, भी नाम बता दो। मेरा नाम सोनू है भैया। और आप बनाते हो यहाँ बढ़िया सी कचौरियाँ? छोले कचौरी। छोले कचौरी है ना, किस चीज़ की बना रहे हो ये? ये आटे की बनती है भैया। ओके, और फ्राई किस पे कर रहे हो आप? फ्राई घी में होती है। घी में? हाँ। जो अपना डालडा होता है राग राग में? ठीक है। और इसमें स्टफिंग भरते हो आप? स्टफिंग भरते हैं साथ में छोले। छोले भी दिखाओ यार जरा। अच्छा ये मसालेदार रहने वाले हैं? मसाले वाले छोले। स्पाइसी बनाते हो? स्पाइसी बनाते हैं। ठीक है। और साथ में कचौरी? छोले कचौरी, छोले चावल। छोले चावल दो चीज़ें। और क्या प्राइसिंग रहती है इसकी? छोले कचौरी 50 रुपये की है, छोले चावल 60 रुपये की। 60 रुपये में। और क्या ये वैसे एड्रेस रहता है? एड्रेस रहता है नेहरू पार्क के सामने, अपोजिट नेहरू पार्क हांसी गेट। ये आ चुकी है इनकी बढ़िया सी प्लेट जिसके अंदर है छोले और साथ में ये चावल और बड़ी और साथ में ये जी इनकी बढ़िया सी कचौरी। चेक दिस आउट, क्या खस्ता हो रही है एकदम। और ये इसके अंदर अभी रहती है स्टफिंग, ये मैं आपको दिखा दूँ हल्की हल्की इसके अंदर ना। ये देखो अजवाइन वगैरह है, थोड़ी थोड़ी आपको दाल नज़र आ रही होगी। ये देखो ये दाल की स्टफिंग है, सो दाल की स्टफिंग रहती है इसके अंदर। सबसे पहले इसके छोले टेस्ट करते हैं इनके और टेस्ट कराते हैं आपको इसका स्वाद कैसा है। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है ना तो ये चीज़ आपके लिए है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है, मेरे को ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद पर कभी कभी खा लेते हैं मैं भी। छोले काफ़ी स्पाइसी हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पे स्पाइसी पसंद करते हैं इसीलिए वैसे बनाए जाते हैं साथ में बढ़िया चावल डाल के। कचौरी बेसिकली बहुत बढ़िया, नमक जवैन डाल के ना बढ़िया बना रखी है एकदम। रेटिंग आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है ना तो भाई ये जगह आपके लिए होने वाली है। एड्रेस टाइमिंग आपको पता लग चुकी है, बाकी अभी लेके चलते हैं आपको अगले जायके की तरफ और दिखाते हैं यहाँ का बढ़िया सा अगला जायका भिवानी में और क्या क्या बेस्ट मिलता है। हम है जी संजय बर्फी पेड़ा भंडार पर, अगली जगह आपको लेकर आ चुके हैं भिवानी के अंदर। एंड यहाँ मिलती है बढ़िया सी लस्सी साथ में बर्फी और पेड़ा, तो चलिए मिलते हैं अंदर यहाँ के ओनर से, टेस्ट करेंगे यहाँ का लाजवाब जायका एंड फिर आपको स्वाद देंगे यहाँ का स्वाद कैसा, तो चलिए मिलते हैं इनसे। क्या हाल चाल है भैया? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है आपका? मोहित नाम है भैया मेरा। और बताइए भैया क्या ऐसा खास खिला रहे हो यार, इतनी जो ये रश हमें देखने को मिल रहा है? लस्सी और बर्फी का काम है भैया अपना। लस्सी और बर्फी? हाँ जी। ओके, दो ही चीजें मिलती हैं? बर्फी और पनीर। लस्सी कौन कौन सी बना रहे हो, मीठी नमकीन? प्लेन है, बर्फी वाली और नमकीन लस्सी है। अच्छा बर्फी वाली भी लस्सी है? बर्फी वाली। ओके, अच्छा ये बर्फी वाली लस्सी बना रहे हो? आज आपको बर्फी वाली लस्सी खिलाएंगे। पहले बर्फी को रिटक लिया आपने? हाँ जी हाँ जी। वो जैसे अमृतसर में मिलती है पेड़े वाली लस्सी, वैसा भी होने वाली है? हाँ जी हाँ जी, गाड़ी लस्सी भी लाएंगे आपको ये लोग। ये एक लस्सी में 260 ग्राम दही डलती है। अच्छा हाँ, एक लस्सी में 260 ग्राम दही, मतलब इतनी थिक होने वाली है। हाँ, गाड़ी गाड़ी थिक। एक पी लो फिर पूरा दिन सोचने की जरूरत नहीं है, पेट भर जाएगा। हाँ जी। अच्छा जरा ये भी बता दो यार, ये एड्रेस कहाँ रहता है वैसे आपका? ये एड्रेस है घंटाघर चौक नियर SBI बैंक, बिल्कुल सामने है संजय बर्फी वाले। और कितने बजे शुरू कर लेते हो? सुबह 8 बजे से चालू। 8 बजे? रात को 10 बजे तक। 10 बजे तक? हाँ जी। लस्सी पूरा दिन ही मिल रही है? हाँ जी। ये बर्फी डलवा के अलग ही हो जाती है, मतलब बर्फी डलवा के 80 रुपये के करीब लगभग। ठीक है। और वैसे नॉर्मल 60? नॉर्मल लस्सी 60 रुपये के। ठीक है। लिया आ चुके जी इनकी बढ़िया सी बर्फी वाली लस्सी, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं और इसका स्वाद बताते हैं आपका स्वाद कैसा। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे अमृतसर में मिलती है ना पेड़े वाली लस्सी, वैसे ही एकदम थिक, बर्फी का हल्का हल्का फ्लेवर आ रहा है एंड लस्सी एकदम लाजवाब वाली, मीठा बड़ा बैलेंस रखा है भैया ने। इस तरीके से बनाइए कि मतलब आपको मज़ा ही आ जाए और मीठा तेज़ भी ना लगे, ठंडी ढा रहा है एकदम चिल्ड है।
मैं अगर भिवानी में आ रहे हो ना, दिस इज द मस्ट टू विजिट प्लेस। मैं दूसरी से तीसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे, पर यहाँ लस्सी पी के ज़रूर जाता हूँ। लाजवाब लस्सी है, एक नंबर। अगर आपको टेस्ट करनी है, एड्रेस भैया ने अपनी ज़ुबानी बता दिया, आप आके टेस्ट कर सकते हो। बाकी इसी के साथ यहीं पे भिवानी की सीरीज़ को करते हैं क्लोज। मिलेंगे किसी नई सी वीडियो में, किसी नई चीज़ के साथ, किसी नए शहर के अंदर। टिल देन बाय बाय। अगर आपके जायके में दम तो जल्दी मिलेंगे हम। टिल देन बाय बाय।